नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले के नरसिंहपुर के समीप करेली तहसील मुख्यालय पर स्थानीय जनों के द्वारा धूमधाम से कावड़ यात्रा निकाली गई। इस दौरान कावड़ यात्रा में नगर व आसपास के लगभग 300 धार्मिक जन कावड़ यात्रा में शामिल हुए। श्रावण मास के सोमवार कावड़ यात्रा सद्धारा बरमान के कमानिया गेट स्थित मनोकामेश्वर मंदिर तक निकाली गई, जिसमें कावड़ियों ने मां नर्मदा के पावन जल से भगवान भोले का जलाभिषेक किया। साथ ही मंडी प्रांगण में भंडारे का आयोजन भी किया गया। भक्त बताते हैं कि मां नर्मदा और भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बरसती रहती है और पूरे धार्मिक सद्भाव के साथ इस कावड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। गत वर्ष से यह कावड़ यात्रा यहाँ शुरू हुई है। पिछले वर्ष जहाँ केवल 60 से 65 संख्या और कावड़ियों की थी, इस साल 350 से ज़्यादा कावड़िए और स्वयं स्फूर्त होकर इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। ये माँ रेवा के तट सतधारा से, जहाँ पौराणिक महत्व बताया गया है कि पंच पांडवों ने भी जहाँ अज्ञातवास में स्थान और वास किया है, ऐसे सतधारा स्थान से जल लेकर कांवड़िए पैदल पूजन अर्चन के साथ यहाँ आते हैं और यहाँ भगवान मनोकामेश्वर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और फिर उसके पश्चात सामूहिक रूप से सबका भोजन प्रसादी यहाँ भोग के रूप में विभिन्न नगरवासियों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, मनोकामेश्वर मंदिर समिति के द्वारा किया जाता है। ऐसा एक विशाल भव्य दिव्य कार्यक्रम। आपको बता दें कि कावड़ यात्रा बड़े धूमधाम से डीजे के साथ निकाली गई। साथ ही सभी कावड़िए आकर्षक वेशभूषा में थे और शंकर जी की झांकी के साथ इस यात्रा में भोलेनाथ का नृत्य मंत्रमुग्ध करने वाला रहा। श्रावण मास में कावड़ यात्रा का पुराणों में भी बहुत महत्व बतलाया है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने जो कावड़ यात्रा शुरू की थी, इसके बाद भगवान राम जी ने भी रामेश्वरम में गंगा जल चढ़ाया था और उसी प्रकार से जहाँ जहाँ भी सिद्ध स्थान हैं, जहाँ भी ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ पर कावड़ यात्रा कावड़ के द्वारा गंगा जल या नर्मदा जल चढ़ाने का पुराणों में बहुत ही महत्व बतलाया गया है। कब से यात्रा निकल रही है? कावड़ यात्रा तो ये तो अनादिकाल से चल रही है। करेली से मनोज विश्वकर्मा की रिपोर्ट।